जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 की अगहन पूर्णिमा कब है, तो जानेंगे अगहन पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, किस दिन व्रत रखा जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा और जानेंगे अगहन पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्यफलदायक माना गया है। आप सभी भक्तों को मार्गशीर्ष यानी कि अगहन पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके और जो भी व्रत धारक हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन जो कि संध्या काल के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन खास करके भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, इन सबों का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को जब चंद्रोदय होते हैं, चंद्रमा उदित होते हैं, उस समय फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे चंद्र दोष आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। चंद्रमा जो कि मन के कारक माने जाते हैं, इस कारण से पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए स्थिर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गंगा नदी, तीर्थों आदि में स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अगहन पूर्णिमा वर्ष 2022 जो कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 7 दिसंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 8:02 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 8 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार को सुबह 9:40 पे। तो हमें पूर्णिमा तिथि के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह खास करके 7 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो जो भी व्रत रखने वाले हैं पूर्णिमा तिथि का या भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो सभी 7 दिसंबर 2022 दिन बुधवार को व्रत को रखेंगे और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे और 8 दिसंबर 2022 को जो कि सुबह 9:40 तक पूर्णिमा तिथि है तो इस दिन जो कि स्नान दान का कार्य किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि का जब भी व्रत रखा जाता है तो पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रोदय व्यापनी व्रत को रखा जाता है तो 7 दिसंबर को जो चंद्रोदय समय है वह शाम 5:01 और चंद्रास्त जो कि सुबह 6:02 पे चंद्रास्त है। इस कारण से हमें जो चंद्रोदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह 7 दिसंबर को ही प्राप्त हो रहा है। तो 7 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा और 8 दिसंबर को स्नान दान का कार्य किया जाएगा। 7 दिसंबर को योग जो कि सिद्धि योग रात्रि 2:52 तक, उसके बाद साध्य योग होगा और नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र सुबह 10:25 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र सुबह 6:56 तक और 7 दिसंबर को जो राहु काल का समय होगा तो राहु काल का समय दोपहर 12:19 से दोपहर 3:39 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है तो इस बात का ध्यान रखें। और 8 दिसंबर को जो कि राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:40 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय होगा 8 दिसंबर को। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, इससे पहले नहीं तो इसके बाद ही आप सभी शुभ कार्यों को करें। 8 दिसंबर को योग जो कि साध्य योग रात्रि 3:10 तक होगा, उसके बाद शुभ योग और नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र दोपहर 12:33 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन पूर्णिमा के दिन मार्गशीर्ष का मास जो कि भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है तो इस दिन जो कि भगवान श्री कृष्ण का विशेष प्रकार से पूजन करे तो लाभकारी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन दीप आदि का दान करना चाहिए।
तो आप मंदिर में जाकर के या तीर्थ आदि स्थान में जहाँ पर जलाशय हो उस स्थान पे आप वहाँ पे दीप का दान करें, तो इससे लाभ की प्राप्ति होती है। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, अर्घ वाले में करें जो आप दूध में थोड़ा सा शहद मिला करके और चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। अर्घ देते समय आप ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन अघन पूर्णिमा के दिन खास करके तुलसी जर से मिट्टी लेकर के इस दिन अपने शरीर में सुबह के समय में लगाना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव के मंदिर में जाए और भगवान शिव का जल से अभिषेक करे और उनके ऊपर बिलपत्र 3 पत्ते वाला उस पे राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को अर्पित करे तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। तो पूर्णिमा तिथि के दिन इन बातों का ध्यान रखें। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, जहां तक हो सके इस दिन दान पुण्यों का कार्य करें, गंगा नदी आदि में स्नान करें तो लाभकारी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।